मैं क्या कहूँ वट इज लैकिंग क्या प्रॉब्लम क्या एक दूसरे को मानना दैट इज लैकिंग किसी सूरत में भी कोई मानेगा नहीं वो लेकिन एक बात में मैं समझाया करता हूँ इनको देखो आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हजम होती है तो ये चीज अभी तक समझ नहीं आ रही इनको वेन देग एंड they they'll start appreciating each each other you go India they respect each other like you will be just amazed I tell you Hasan हमारे यहाँ ये एलिमेंट नहीं है क्यों नहीं है ये हमारे यहाँ क्या वजह मैं, मैं उसकी वजह ये है कि क्रिएटिव लोगों का बंच नहीं है मौजूद वो कुछ ताले आज भी तो पहुँच गए ना जो वो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो नालायक होते हैं और वो कभी नहीं मानते वो कहीं शॉर्टकट ढूंढते हैं दरमिया रास्ता ढूंढते हैं का सहारा लेते हैं उससे नुकसान होता है इंडस्ट्री। और आप कई बार ये भी इसका भी इजहार कर चुके हैं कि उर्दू भी तो नहीं आती नहीं आती तो फिर आप क्या बना रहे तलफुज की इतनी खुराफात हैं कि आप मेरी मैं बालूक परेशान हो जाता हूँ तो खलील साहब एक सवाल है फिर मेरा क्योंकि हम ड्रामे देखते हैं और रिव्यू भी करते हैं और आपके काम को भी किया है लोग बुरा क्यों मनाते हैं जब अगर कोई पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई आपने ये गलती कर दी या जो आप लिख रहे हैं ये अच्छा नहीं है सब पा रहा है तो क्यों लोग बुरा क्यों मना मैं, मैं मैं आज करता हूं दो चीजें मैं अग्री कर जाऊंगा अगर कोई मेरे बारे में कहेगा कि यहां आपने बुरा लिख दिया है अगर वो मुझे सही बता दें प्रॉब्लम यह आता है कि तोलने वाले वो हैं जिनको वजन करना नहीं आता उनको अलाउ नहीं करता हाल दो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मैं मैं किसी किसी तो को वजन के साथ किसी को भी मैं, जब भी आप किसी को तोलने बैठे तो आपको वजन करने के बारे में आपकी महारत तो होनी चाहिए ना हर कोई आप जैसा लिखता भी तो नहीं है ना अभी तो अभी तो ने हमने कर लिया हसन ये हमारी कहीं गलतियां भी हो रही हैं हम पहचानने में क्या आप क्या समझते हैं वो अल्लाह है वो कौन कहता है दस हजार कमर जन्म ले लेते हैं हमने कहीं ढूंढने वाली आंख बंद कर दी हुई है वो हैं मौजूद हैं हमें ढूंढना होगा खलील साहब मूविंग ऑन टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बज़ है इस वक्त एंड दैट इज जेंटलमैन मैं नहीं आपसे सवाल करूंगा आप खुद ही बता दें व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट जेंटलमैन एट दिस मोमेंट आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू आइडिया आई गेव जो मेरे पिछले ड्रामों से किसी तरह भी मैच नहीं करता और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि जेंटलमैन है कौन ये जो कोट पैंट टाई पहनकर फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलते हैं और मुल्क के पैसे खाते हैं वो लोग या वो लोग जो हलाल कमा रहे हैं और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं और गुंडा वो है जो आ, गली में किसी का पर्स छीन रहा है या किससे हाँ से हाथ से चार छः हज़ार रुपये छीन रहा है या वो जो वही अंग्रेज़ी बोलने वाली सरकार जो मेरे मुल्क के पैसे लूटकर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं वो तो दैर इज़

ये तो अलाउ ही नहीं करता ना क्योंकि यहाँ मुझे है? इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं आई आई नो हाउ टू डिक्टेट माई टर्म्स तो कहीं अगर बहस हो जाए अगर उनका आइडिया अच्छा आ जाए तो मैं मान लेता हूँ लेकिन कास्टिंग में खुद करता हूँ यमुनाज नेम यू सजेस्टेड आई इट वाज सजेस्टेड टू मी एंड अग्री टू इट अच्छा ठीक uh -huh. है